हेलो एवरीवन, नमस्ते। सो आज मैं बात करने आया हूँ फिर से बिग बॉस के बारे में। सो एक हफ्ता पूरा कंप्लीट हो चुका है, लाइक दिस इज द थर्ड वीक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो सारा कंप्लीट होने के बाद मैं आया हूँ इस चीज़ के बारे में चर्चा करने के लिए, क्योंकि इस वीक जो कुछ हुआ है उसके बारे में बात करना तो बनता है। एज अ बिग बॉस फैन तो मेरा तो कर्तव्य है कि मैं बात करूँ उसके बारे में। जो सबसे पहले नॉमिनेशन हुआ था ऑन मंडे, लास्ट मंडे को, सो वहाँ पे लव किस ने बचा लिया सबको, आधा राशन दे के नॉमिनेशन को रद्द कर दिया। सो इट वॉज ओके ऑल्सो मेरे हिसाब से। तो उस वक्त अगर नॉमिनेशन कंटिन्यू रहता तो अरमान मलिक फॉर श्योर चला जाता, अरमान मलिक नहीं बचता, पर उसको लव किस ने रद्द करा दिया, तो उसकी वजह से वो रद्द हो गया। एंड उसके बाद खाना कम मिलने लग गया, तो खाना कम तो था नहीं वैसे, हाफ राशन बोला था, लेकिन बहुत कुछ मिला था उनको खाने के लिए बाय द वे। एंड वो तारीफ भी कर रहे थे कि इतना कुछ मिला है हाफ में, बट ये रणवीर सोरी बोल रहे थे कि खाना कम मिल रहा है, ये है, पहले तो आधा में गुजारना पड़ता था, अब आधा का क्वार्टर में गुजारना पड़ेगा। सो काइंड ऑफ दैट कंप्लेन चल रहा था। एंड चंद्रिका ने जो फ्लिप किया शिवानी के साथ, एंड शिवानी का जो ड्रामा था इट वाज लाइक देखने लायक था। एंड चंद्रिका का जो एक्सक्यूज था वो बेकार ही था, कि मतलब वो बदतमीज है, ये है, वो है, तो वो उसको बदतमीज के लिए आप सिखाओ उसको, ये नहीं कि आप निकाल दो किसी को घर से, दैट इज रॉन्ग। एंड उसके बाद नेजी को लेटर लिखा सना मकबूल ने, तो सना मकबूल के चलते नेजी भी बच गए, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एंड नेजी ने सना मकबूल को नहीं लिखा, बल्कि उसने साई केतन को लिखा। और नेजी बोलता है कि सना मकबूल और सना सुल्तान के बीच में अब साई केतन राव आ गया, तो उसकी वजह से उसने नहीं दिया। सो व्हाट वाज दैट, ये तो सिली सा एक्सक्यूज था। उसके बाद जो रैप कॉन्सर्ट लगाया था, सबको डिश करना है ना, सबको डिश करना था। सो उसमें अरमान मलिक ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, बहुत अच्छा अच्छा लगाया, अच्छा भी था, लाइक आई लाइक इट, मतलब जो स्टाइलिश जो अवार्ड मिला उससे तो काफी ठीक ही था अरमान मलिक ने जो किया। लेकिन जो स्टाइलिश अवार्ड जो मिला है अरमान मलिक को, मतलब सही कह रहे थे, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, सो उसी वजह से मेजोरिटी से वो जीत गया। बट आपको क्या लगता है, आपको आपके हिसाब से कौन लगता है कि सबसे स्टाइलिश है बिग बॉस OTT सीजन 3 में, प्लीज कमेंट बिलो। एंड यहाँ पे जो हमें बात कर रहा था डिश के बारे में, सो सबको जाकर रैप लिखना था। आपने देखा ही होगा सारा एपिसोड, जितना भी देखा होगा, सो रिपीटली मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को। तो जो डिश करना था, सो सब अरमान मलिक ने काफ़ी अच्छा राइमिंग किया था, अच्छा लिखा भी था उसने, अच्छा किया था उनका, अच्छा था। एंड सना मकबूल ने कुछ पॉइंट दिए थे, तो जिसमें हमारे नेजी दब्बा ने उन्होंने थोड़ा उसको मोल्ड करके जो बनाया है काफी जनानी हरकत करे इधर का उधर, खुला सांड नकली सरपंच अकड़ रखना अपने घर पर। लेकिन हाँ, अरमान मलिक ने चारों को नहीं छोड़ा है, ना शिवानी को, ना लवकेश को, ना विशाल को, ना सना मकबूल को, चारों को ही पेला है उसने। काफी इंटरेस्टिंग था वो वाला पार्ट, एंड सबको स्कार्फ भी दिया गया, इट वॉज वेरी कूल। मतलब ये ऐसे ही वाला सीन है ना, जो जहाँ मुनावर के लिए स्टैंडर्ड कॉमेडियन के लिए वो शो रखा था लास्ट सीजन, तो वैसे ही। एंड फिर उसके बाद MC Stan के लिए भी एक शो ऑर्गेनाइज किया था, काइंड ऑफ दैट थिंग। लेकिन मुझे MC Stan का वो रैप तो कुछ समझ ही नहीं आया था, जो अभी चल रहा ना, ऐसे टाइप का समथिंग, ऐसे कुछ था। तो जोक्स अपार्ट, बट अपना अपना जॉनर है, अपना अपना थिंकिंग है सबको। लेकिन नेजी का जो डिस करने का था वो काफ़ी अच्छा था। एंड नेजी ने एक चीज़ बोला है कि मतलब उनकी जो मूवी बनाई गई थी गली बॉय, मतलब वो बता रहे थे कि
फुल्ली वहाँ से तो करेक्ट नहीं है जो बताया गया है, एग्जैक्टली करेक्ट वो नहीं है जिनकी जो उनकी स्टोरी बताई गई, तो वो अपने नरेटिव से अपने प्रस्पेक्टिव के थ्रू वो अलग से हायर करके वो बनाना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग अगर निकल के वो बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, आई विल कम टू नो। एंड या चंद्रिका दीक्षित आउट हो गई, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब वीकेंड का वार आया तो अनिल कपूर ने फिर से पकड़ लिया सना मकबूल को, और लास्ट जो चिट्ठी के लिए दिया गया था। एंड वन मोर थिंग, लव केस को जो बाहर निकाला था रखा गया था, एंड काफ़ी फुटेज में दिखाया गया है कि जब लव केस बाहर हथकड़ी पहन के बैठा हुआ था तो सांप था वहाँ पे, एग्जैक्ट सांप रेंग रहा था। सो आई डोंट नो, बिग बॉस वाले बोलते कि वो एडिट करके लगाया गया है, कोई बोलते रियल में है। एंड या उनको घर से निकालने के लिए अरमान एंड ऑल सब रेडी रहते हैं। एंड मैं बताना चाहता हूँ, लव केस जो है उसने एक्सपेक्ट किया था कि क्योंकि उसने स्टैंड लिया था अरमान के साथ मिलके, स्टैंड लिया था विशाल के की, मतलब विशाल ने ये चीज़ बोला था, उसने कन्फर्मेशन दिया था, तो उसका भी एक्सपेक्टेशन था कि अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो अरमान मलिक उसको हेल्प करेगा। बट अरमान मलिक ने कुछ किया ही नहीं, उसने तो घर से निकालने के लिए सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया। सो दैट वॉज वेरी लाइक ऑसम। सो एंड आफ्टर चंद्रिका को काफ़ी चीज़ बोला गया इस बार कि थर्ड एपिसोड में अनिल कपूर ने काफी चीज बोला कि उनका कोई मुद्दा नहीं है, उनके टॉपिक पे अपना मुद्दा बना, लड़की के बारे में लड़का कमेंट करे बातों पे, लेकिन लड़की कमेंट कर सकती है, आपका वजूद क्या है, बना के अपने तरफ से आपका बोल करके प्रेजेंट करती है, आपको विक्टिम कार्ड खेलना पसंद है, गलत है, एक वाक्य तो बोला गया है, बार-बार उछाल कर मेरे हिसाब से तो सही बोला गया है। पर सना मकबूल को बार बार, बट अगर एक इंसान को बार बार दिखाया जाता है, बार बार बात ये किया जाता है, तो ये चीज़ तो ज़रूर है कि वो इंसान कि दैट पर्सन इज़ हाईलाइटेड, कि बिकॉज उस इंसान के बारे में आप बात कर रहे हो, बार बार चर्चा चल रहा है, तो दैट पर्सन विल बी द टॉक ऑफ द शो, तो उसके बारे में ही बात होती रहेगी ना हर वीक, एवरी वीकेंड का वार पे सना मकबूल का बात होता है एवरी वीकेंड, जितना कि अरमान का भी नहीं होता है। हाँ हियर कि जो लव केस के बारे में हुआ है इस बार बात, तो आपको क्या लगता है कि लव केस को दोबारा बाहर वाला बना के इट वाज गुड, और आपको लगता है कि दैट वाज नॉट फेयर? प्लीज लेट मी नो। एंड जैसा कि आपने देखा होगा कि वाइल्ड कार्ड की एंट्री हो चुकी है, सबसे पहले वाइल्ड कार्ड की एंट्री जो कि है हुआ है अदनान की। सो काफ़ी टाइम से वो YouTube पे एक्टिव होकर रिएक्शन वीडियोस बना रहे थे, सो उनकी एंट्री हो चुकी है, क्या पता हमारी रिएक्शन वीडियो से हमारी भी एंट्री हो जाए, यू नेवर नो फॉर द गुड थिंग्स। अदनान का हुआ है एंट्री बिग बॉस हाउस में, सो अदनान बता रहे हैं कि वो विशाल के और नीजी को जानता है ये, तो कल जो एपिसोड दिखाया गया है उसमें तो अदनान की एंट्री हुई है, लेकिन बिग बॉस हाउस में नहीं हुआ है अभी तक एंट्री, दिखाया गया नहीं है। अदनान ने आके बताया कि लव केश के बारे में, कि लव केश और एल्विश, लव केश को एल्विश का मैनेजर, एल्विश की परछाई मैं, पर मैं तो सुना कि वो एल्विश का मैनेजर है शायद, उसने भी रिएक्शन बनाया यूट्यूब पे, तो उसके अभी एपिसोड में एंट्री नहीं हुई है, उसको अभी दिखाया नहीं गया, लेकिन जो लाइव चल रहा है उसमें दिखा रहे हैं कि अदनान से पहले भी मिल चुका है, मिले एक ही बार मगर कांटेक्ट में थे, बात होती थी। एंड वन मोर थिंग आपको मैं ऐड करना चाहता हूँ कि कृतिका जानते हैं विशाल और शिवानी की झगड़ा होने वाले है अर्ली मॉर्निंग, जो जिम की वजह से अलग अलग पोस्चर्स एंड थोड़े से हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से, विशाल पहले समझाता है फिर डांटता है, यहाँ पे कुछ मसाला सा होने वाला है,
कृतिका एंड शिवानी के बीच में फॉर श्योर. एंड यहाँ पे नॉमिनेशन होने वाले हैं जो पहले नहीं होते थे बिग बॉस में. सो केक लगा के फॉर्म लगा के फेस पे लगाना सेम होने वाला है. सो यहाँ पे 7 पीपल आर गोइंग टू गेट नॉमिनेटेड. फर्स्ट सना मकबूल, सना सुल्तान, अरमान जो पहले से ही नॉमिनेटेड है, एंड नेजी भी इस बार नॉमिनेटेड है. नेजी एंड साई केतन राव, उसके बाद लव कटारिया एंड कृतिका मलिक. सो आपको कौन लगता है कि इन सात में से कौन आउट होने वाला है, प्लीज़ कमेंट करके बताना. मेरे हिसाब से जो आउट होने वाला है आइदर साई केतन राव और कृतिका मलिक. देखते हैं कौन आउट होता है इस हफ्ते. एंड ऐसे तो विशाल के फ्रेंड आया है अदनान बोल रहा है कि वो फ्रेंड है, तो कितने हद तक वो फ्रेंडशिप निभाएगा. और नीजी को बता रहा था कि स्टेज पे बोल रहा था कि सना मकबूल से थोड़ा बच के रहना और सना मकबूल के बारे में. एंड मेरे को ये चीज बोलना है कि तुम जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, गरम हो गए तुम तो यार गुस्से साथ. अरे तुमने बोला तो गलत था यार. सना सुल्तान और वो सना जो न्यूज रिपोर्ट वाला टास्क था उस पर सना मकबूल कुछ बोलती भी नहीं है, पर सना सुल्तान वाज सो इनसिक्योर कि बार बार मकबूल के बारे में बोल रही थी. अब उसने बोला है काफ़ी मरतबा उसको प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, आई डोंट नो द प्रॉपर उर्दू वर्ड्स. तो उसने दीपक चौरसिया को जाके न्यूज़ रिपोर्ट दी तो उसको थोड़ा मोड़ करके दीपक चौरसिया ने बोला 5 बार उसको प्यार हुआ. तो ये चीज़ में अब सना मकबूल ने कुछ बोला भी नहीं है, ना शिवानी ने कुछ बोला है. तो उसके लिए वो बार बार सना मकबूल को ऐसे पॉइंट करती है कि बार बार वो बोलती है कि नहीं मतलब तुम्हारे कुछ 3 लोगों ने या फिर 4 लोगों ने उन्होंने तुम्हें इन्फ्लुएंस किया होगा, बताया होगा. साई केतन भी बार बार जाके लव उसको ऐसे ही बोल रहा है, क्या नाम है वो बार बार नेजी को बोल रहा है ऐसे ही, आई डोंट नो नेजी दूध पीता बच्चा नहीं है. और बाद में अभी जाके वो बोलता है कि साई केतन राव और साई केतन राव और सना सुल्तान बोल रहे थे करना था मुझे नेजी चला के वो अपना दिमाग लगा के गेम में चाय पीने आए क्या ऐसे खा रहा है, ऐसा वाला पॉइंट चल रहा है. जब संडे को विशाल के पेरेंट्स आए दे वर वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड, कि मतलब उन्होंने बीच में ही अरमान मलिक को कट कर दिया. और उन्होंने ये चीज भी रेज किया कि अपब्रिंगिंग के बारे में जो अरमान मलिक ने बोला था, गंदी गंदी से वर्ड यूज किए थे एंड उसके बारे में भी बात किया. सो उन्होंने लव को भी पॉइंट किया कि आपने क्यों नहीं बोला या फिर उस प्रेशर की वजह से शायद आपने नहीं बोला होगा. तो ये चीज भी नोट किया गया उन्होंने. सो काफी इमोशनल नेम मैं मेरे को भी ऐसा टच हुआ कि पेरेंट्स को देख के. तो विशाल को तो ऑब्वियसली वो अपना पेरेंट्स है तो उसको ऐसा हो गया. तो सना मकबूल, सना देखते हैं तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय.